حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالموت واعظا وكفى بالتقى غنا وكفى بالعباد شغلا وكفى بالقيامة موئلا وبالله مجازيا صلوات حضرت محمد عليه وسلم سرکار ختمی مرتبت حبیب خدا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا کہ وعظ اور نصیحت کے لیے صرف موت ہی کافی ہے. عام طور سے انسان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وعظ اور نصیحت دوسرے کی طرف سے ہو, اسے ماں باپ وعظ کریں نصیحت کریں, مولانا وعظ کریں نصیحت کریں, یا اسی طریقے سے نبی اور امام وعظ اور نصیحت کریں, قرآن ان کو وعظ اور نصیحت کرے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ وعظ اور نصیحت کے لیے موت کافی ہے, اس سے بڑھ کے وعظ اور نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ سامنے رسول بیان کر رہے ہوں, وعظ کر رہے ہوں, نصیحت کر رہے ہوں, اور سامنے والے کو کوئی اثر ہی نہ ہو رہا ہو. اور ہوا ہے, ہوتا ہے تاریخ میں, امام وعظ کر رہے ہو نصیحت کر رہے ہو, سامنے کوئی اثر ہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول اور امام کے وعظ اور نصیحت ان کے اوپر اثر نہیں کرتا تو ایک عام انسان کا وعظ اور نصیحت اس کے اوپر کیا اثر کرے گا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ وعظ اور نصیحت کے لیے موت کی یاد کافی ہے. اگر انسان نصیحت لینا چاہتا ہے تو نصیحت لینے کے لیے موت کو یاد کر لے بس, اور یہ موت کی یاد ہی اس کے لیے بہترین نصیحت ہوگی. کیونکہ جتنی بھی خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں, برائیاں پیدا ہوتی ہیں, یا انسان گناہوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے, واجبات کو ترک کرتا ہے, یہ سب کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ موت سے غفلت کی بنیاد پر. موت کو مانتے سب ہیں, موت کے اوپر عقیدہ سب رکھتے ہیں, موت کے اوپر ایمان سب رکھتے ہیں,
मौत आनी है। हर मुसलमान मौत के बाद वाली जिंदगी के ऊपर भी ईमान रखता है, लेकिन फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं, खताएं हो जाती हैं, हम हराम कर बैठते हैं, वाजिब छोड़ देते हैं। वजह क्या है? गफलत। हम गाफिल हो जाते हैं कि मौत भी है, हम गाफिल हो जाते हैं कि मौत के बाद भी कोई जिंदगी है, और यही गफलत हमको गलत रास्ते के ऊपर ले जाती है, यही गफलत हमसे वाजिबात को तर्क करवा देती है। पैगंबर फरमाते हैं कि मौत को सामने रखो, ये बेहतरीन वाज भी है, ये बेहतरीन नसीहत भी है। सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। वकफा बित्तुका गनन, और बेनियाजी के लिए तकवा काफी है। इंसान अगर बेनियाज होना चाहता है तो इस बेनियाजी के लिए, इंसान के लिए तकवा का। बेनियाजी किसको कहते हैं? बेनियाजी कि जहां दुनिया में, जिंदगी में बहुत से लोगों से उम्मीदें रहती हैं और बहुत से इंसान दूसरे लोगों की तरफ निगाह लगाए रहते हैं कि कुछ इनकी तरफ से करम हो जाए, कुछ इनकी तरफ से इनायत हो जाए, कुछ यहां से हो जाए, कुछ वहां से हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए, ये हमारा काम रुका हुआ है ये हो जाए, वगैरह वगैरह। इसके लिए पैगंबर फरमाते हैं कि अगर इंसान के अंदर तकवा है तो इस तकवे के होते हुए फिर इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, इधर उधर मारना ही नहीं पड़ेगा उसको, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तकवा ही बेनियाजी है, ये तकवा ही काफी है उसके लिए। अच्छा, इसकी कुरान भी तारीफ कर रहा है। आप कुरान मजीद में सूरह तलाक की दूसरी आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम तकवा अख्तियार करो और अल्लाह तुमको मुश्किलात से निकाल लेगा, तुमको रास्ता दिखा देगा, तुमको हक और बातिल के दरमियान में फर्क बता देगा। बहुत से लोग होते हैं, क्या करें मौलाना, आजकल इतने ज्यादा ये सब नजरिए, विचारधाराएं, बातें, ग्रुप हो गए, समझ ही नहीं आता है कि पता नहीं ये सही वो सही, क्या करें। कुरान कह रहा है तकवा अख्तियार करो, खुद ब खुद अल्लाह तुमको बता देगा कौन सही है, कौन गलत है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन हक है, कौन बातिल है। तकवा अख्तियार करो, हक और बातिल के दरमियान में फर्क बता देगा तुमको, तुमको मुश्किलों से, मुश्किलों में गिरफ्तार है, क्या करें निकल नहीं पा रहे, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं। कुरान कह रहा तकवा अख्तियार करो, अल्लाह खुद ब खुद तुमको मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखा देगा। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वकफा बिल इबादत शुगलन, काम के लिए इबादत ही काफी है। लोग कहते हैं काम नहीं, काम है क्यों नहीं, काम है, इबादत करो। अब जाहिर सी बात है कि हो सकता है जहन में फौरन सवाल आए, लीजिए साहब और क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मस्जिद ही बैठे रहे, मुसल्ले ही भी बैठे रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत ही करते रहे, फिर हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। पैगंबर फरमाते काम के लिए इबादत काफी है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब यहां पर इबादत के मफहूम को हमको समझना पड़ेगा कि इबादत का मफहूम क्या है। इबादत सिर्फ नमाज और मुसल्ले तक महदूद नहीं है, इबादत का मफहूम बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ है, और हम शरीयत के दायरे में रहते हुए जितने भी काम अंजाम दें हर काम इबादत है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहां तक के सोना और जागना भी इबादत है। सुबह उठते हैं, घर के ऊपर जो आप उमूर खानादारी अंजाम देते हैं, घर के काम कर रहा है बंदा, ये घर के काम करना भी इबादत है। बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, अब जाहिर सी बात है कि जौजा वो उनके नाश्ते खाने में लगी हुई है, बाप मां उनके खाने पीने और नाश्ते को उसमें लगी हुई, बाप ने कहा बेटा हम ड्रेस तुमको पहनाए देते हैं, और उसने उसको बाप ने उसको तैयार करना शुरू कर दिया बच्चों को, ये भी इबादत है। बच्चों की तरबियत भी इबादत है। घर से निकले
रोजगार है, कारोबार है, दुकान है, फैक्ट्री है, जो भी है, ये रिस्क हलाल के लिए निकलना भी इबादत है। ये रिस्क हलाल के लिए पूरा दिन वहां के ऊपर रहना भी इबादत है। ये धूप में दौड़ करना भी इबादत है। तो इबादत का मफहूम बहुत है। तो शुगल के लिए इबादत ही काफी है, काम के लिए इबादत ही काफी है। वकफा बिल कयामत मौइलन, और कयामत के लिए यही काफी है कि आइंदा की वो पनाहगाह है। कयामत आइंदा की पनाहगाह है। अब जाहिर सी बात है कि आखिरत में अगर आप चाहते हैं कि पनाह आपको मिले तो कयामत तो आखिरत में पनाहगाह है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पनाहगाह किन लोगों के लिए होगी? आखिरत पनाहगाह उन्हीं लोगों के लिए होगी कि जिन्होंने दुनिया में बेहतर जिंदगी गुजारी होगी, उनके लिए आखिरत बेहतरीन, कयामत बेहतरीन पर दुनिया में उनको बेचारों को नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, तकवा इख्तियार किया, लेकिन फिर भी तकलीफें पीछा नहीं छोड़ रही थी, मुश्किलात हट नहीं रही थी, तरह तरह के मसाइल थे। पैगंबर फरमाते हैं कि घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ये तो चंद दिन की है, ये चंद दिन की दुनिया चली जाएगी और आखिरत जो है ये कयामत, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित होगी, बेहतरीन पनाहगाह। आखिरत में तुमको पनाह मिलेगी, दुनिया में पनाह देने वाला कोई नहीं है, आखिरत में पनाह नहीं मिलेगी दुनिया में, लेकिन आखिरत कयामत बेहतरीन पनाहगाह है। वबिल्लाह मुजाजियन, और अल्लाह तन्हा जजा देने वाला है, अल्लाह तन्हा इनाम देने वाला है, अल्लाह तन्हा बदला देने वाला है। इंसान जो कुछ भी काम अंजाम देता है, अच्छा हो या बुरा, हर चीज के लिए जजा है उसके यहां। अगर अच्छा काम किया है तो अच्छी जजा है, अच्छा बदला है, अगर गलत किया है कुछ तो उसके लिए गलत और उसके लिए बुरी और खराब जजा है। बहरहाल बदला हर शय के लिए है। अगर अच्छा काम किया है बदले में जन्नत है, गलत करके गया है बदले में जहन्नम है। अब जन्नत में भी अलग अलग तरीके की नेमतें हैं, जहन्नम में अलग अलग तरीके का अजाब है। तो अजीजान मोहतरम, पैगंबर के इस इरशाद के मुताबिक हकीकत में अगर इंसान मौत को सिर्फ सामने रखे तो ये मौत ही बेहतरीन वाज और बेहतरीन नसीहत है। और जो खासान खुदा होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, तो वो वाकयन वो काम भी ऐसे करते हैं कि जहां मौत उनके सामने हर वक्त रहे नजर में। पिछले जुम्मे में आपकी खिदमत में हाजी हजरात से मुतालिक जो कुछ बातें पेश की थी, उन्हीं में बताया था कि सफर के लिए जो मुस्तहबात हैं सफर के, उन सफर के मुस्तहबात में से पहला मुस्तहब है कि इंसान वसीयत करे, वसीयत करके जाए, वसीयत करके निकले। आप सफर में जा रहे हो, वसीयत करके जाओ, कम से कम अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो उसकी वसीयत करके जाए कि देखो फला भाई का इतना पैसा हमारे ऊपर है, उसको देना है। अगर कुछ वाजिबात छूटे हैं उनकी वसीयत करके जाए कि देखो ये हमारे वाजिबात छूट गए, देखो ये वसीयत। तो वसीयत भी एक तरीके से मौत की याद है, आखिरत की याद है, और इससे मामलात भी सुधरते, मामलात भी सही रहते, मामलात भी बेहतर रहते। तो अगर आप खासान खुदा की जिंदगियों पर नजर करेंगे तो वो अपना वसीयतनामा अपने सराने रख के सोते हैं। आयतुल्लाह मरशी नजफी, बड़ा मशहूर वसीयतनामा है उनका, मुख्तलिफ जबानों में उसका तर्जुमा भी हुआ है, आयतुल्लाह मरशी नजफी के इस वसीयतनामे का, जिसमें उन्होंने अपने तमाम चीजों के लिए उन्होंने वसीयत की है, यहां तक के उस मुसल्ले के लिए भी वसीयत की जिसपे बैठ के उन्होंने 40 साल या उससे ज्यादा नमाज शब अदा की, उस कुरान के लिए वसीयत की कि जो वो मुसलसल पढ़ा करते थे, उस रूमाल के लिए वसीयत की कि जिस रूमाल में उन्होंने पूरी जिंदगी इमाम हुसैन की याद में अश्क बहाए। इसी तरीके से और पूरी किताब, खुमैनी साहब पूरा वसीयतनामा इंतकाल के बाद पार्लियामेंट में पढ़ा गया था, तकरीबन 1.5-2 घंटे का वसीयतनामा पूरा, शायद 40 या 50 पेज का तकरीबन वसीयतनामा है।
और पूरा वसीयतनामा जिसमें आने वाले तमाम हालात से मुताल्लिक न सिर्फ घर और खानदान पूरी कौम को आगाह करके गए और खबरदार करके गए कि तुमको करना क्या है। हकीकत में वसीयत नसीहत है, वसीयत ही नसीहत है, और वो वसीयतनामा नहीं वाकई में नसीहतनामा है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी नजर में मौत हर वक्त सामने रहती है, और यही मौत का सामने रहना ही और ज्यादा अल्लाह से कुर्बत का सबब बनता है। गुनाह से बचने, हराम से बचने और वाजिबात के अदा करने और अल्लाह से करीब होने का, इसी वजह से बहुत ज्यादा कुरान मजीद में आप देखेंगे कि जगह जगह के ऊपर अल्लाह ने मौत का तस्करा किया है, मौत को याद दिलाया है, मौत की बात की है, मौत के बाद की जिंदगी की बात की है, जन्नत के तस्करे हैं, जहन्नम की बातें हैं, बरज़ख से मुताल्लिक आयतें हैं, बरज़ख से मुताल्लिक सूरे हैं कि जिनमें इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ बयान किया गया है। और जो मौत की हकीकत से वाकिफ हो जाते हैं, जो मौत को समझ लेते हैं, फिर उनके दिल में अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं रहता है, अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं रहता उनके दिलों में। और फिर वो मौत की अगर हकीकत समझ लेते हैं तो मौत से डरते नहीं है, मौत को गले लगाते हैं। हमारे डर का सबब ही यही है कि हमने मौत की हकीकत को समझा ही नहीं है, क्योंकि जब मौत की हकीकत को हमने समझा नहीं तो मौत से डरते रहते हैं कि अगर मौत आ गई तो क्या होगा, मौत आ गई तो क्या होगा, मौत आ गई तो क्या होगा। दूसरे ये कि हमारे खुद अमाल और हमारा अमालनामा ही वही मौत से हमको डरा देता है कि सोचते हैं कि मौत आ गई तो क्या, एक तरफ ये हमारा अमालनामा हमने किया तो ये है, अगर मौत आ गई तो क्या होगा, तो ये भी एक डर का सबब बनता है। लेकिन जो मौत की हकीकत से वाकिफ होते हैं, जो इस दुनिया और इस दुनिया से मुतालिक जो लज्जतें हैं और जो नेमतें हैं उनकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती, उनकी तवज्जो आखिरत की नेमतों के ऊपर होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो मौत को गले लगाते हैं, मौत की तरफ खुशी खुशी बढ़ते हैं। आइए करबला के मैदान में देखिए, शबे आशूर जनाब हबीब मजाक कर रहे हैं जनाब जोहर से, और जोहर कह रहे हैं कि हबीब आज की शब देख रहे हो कि हालात क्या है और तुम मजाक कर रहे हो। जनाब हबीब कहते हैं मुझे भी मालूम है कि क्या हालात है और कैसे हालात हैं, और मैं भी देख रहा हूं, सही कह रहे हो, लेकिन मैं कैसे ना हंसूं, कैसे ना खुश हूं, जबकि मैं देख रहा हूं कि मेरे और जन्नत के दरमियान में खाली एक रात का फासला है, बस ये रात खत्म हो और इमाम से इजाजत मिले और हम जाएं मैदान में, और वो वादा की जो और वो मकाम और की जो इमाम ने दिखाया उस मकाम को हासिल कर ले। या खुद आशूर के दिन ये जो असहाब इमाम थे उनके अंदर जो जज्बे शहादत था, जो शौक शहादत था, ये मौत की तरफ क्या चीज थी कि उनको जो कदम उनके तेजी के साथ और इतने बढ़ रहे थे कि एक शहीद अभी का लाशा इमाम अभी लाके रखते नहीं और दूसरा फिर हाजिर, आका पहले हमको जाने दीजिए। और जब तमाम असहाब और अंसार शहीद हो गए तो यही सूरत गोद के पालों की, जनाब कासिम का तस्करा आप सुनते रहते हैं, जनाब अकबर के मुतालिक बयान होता रहता है, जनाब कासिम का सिन ही क्या था, सिर्फ 13 साल, लेकिन इस 13 साल के सिन में जनाब कासिम का सिर्फ जज्बा क्या था, शौक क्या था, मौत की कैसी आरजू कैसी तमन्ना थी कि चचा मना कर रहे हैं कि बेटा तुम तो मेरे भैया की निशानी हो, और लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आका इजाजत दे दीजिए मरने की, मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। और जब नहीं मिली इजाजत तो गोशे में बैठ के रोने लगे, गिरिया करने लगे कि आका इजाजत नहीं दे रहे, चचा इजाजत नहीं दे रहे मैदान में जाने की, सब शहीद हो रहे हैं और हम इस शहादत से महरूम रह जा रहे हैं। याद आया बाबा का जमाना, अगर बाबा होते तो आज बाबा से सिफारिश करता हो, बाबा ले जाते और बाबा चचा से कहते हो मैदान में भेज देते। इसी दरमियान कुछ याद आया कि जब बाबा दुनिया से जा रहे थे तो तावीज बाजू के ऊपर बांधा था, और बाजू के ऊपर तावीज बांधने के बाद कहा था कि बेटा कासिम देखो अगर कोई मुश्किल घड़ी आए तो इसको पढ़ लेना खोल के। अब जनाब कासिम ने सोचा कि इससे ज्यादा मुश्किल क्या होगी,
कि जहरा का लाल नरगे आजा में घिरा हुआ है। बस एक मरतबा उस तावीज को खोला, अब जो देखा तो खुश हो गए जनाब कासिम। अरे मौत की खबर सुन के इंसान कांप जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है। ये करबला वाले हैं कि जैसे ही देखा उसमें लिखा हुआ है, बेटा कासिम देखो मैं तो करबला में नहीं रहूंगा, लेकिन तुम मेरी तरफ से अपनी जान कुर्बान कर देना। खुश हो गए जनाब कासिम और खुश हो के इमाम की खिदमत में आए। और इमाम की खिदमत में आने के बाद एक मरतबा जो तावीज पेश किया, एक जुमला का है, चचा क्या अब भी आप इजाजत नहीं देंगे? और ये कह के तावीज पेश कर दिया। एक मरतबा जैसे ही इमाम ने वो तहरीर देखी है, भाई का जमाना याद आया, भाई की तस्वीर नजरों में घूमने लगी, कासिम को पढ़ के सीने से लगाया, इतना रोए कि चचा और भतीजे दोनों गश खा के गिर गए। करबला के मैदान में पानी नहीं था कि जो चेहरे पे छिड़का जाता, कैसे गश से इफाका हुआ नहीं मालूम, बस जब इफाका हुआ है गश से तो एक मरतबा इमाम ने फरमाया, बेटा जाना चाहते हो तो जरा सा खुफियों से खुदा हाफिज कह लो, जरा बहनों को खुदा हाफिज कह लो, जरा माँ से रुख्सत हो लो। जनाब कासिम खैमे से रुख्सत हुए, घोड़े पर सवार हुए, मक्तल का रुख किया। अजादारों जंग करते करते वो मंजिल भी आई कि एक मरतबा कासिम घोड़े से जमीन पर आए, जमीन पर आना था कि आवाज दी, या अम्मा अदरकनी, चचा मेरी मदद को आओ। अजादारों चचा एक मरतबा भतीजे की आवाज भी तला, लेकिन अफसोस कि जैसे ही इधर से चचा चला है, उधर भतीजे का आलम यह था कि एक मरतबा उन फौजों ने जो भागना शुरू किया, भागने के नतीजे में कासिम का जिस जिंदगी ही में घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। जब भी कोई टाप सीने कासिम पे पड़ती थी, आवाज देते, चचा जल्दी आओ, चचा जल्दी आओ। अजादारो अब जो हुसैन पहुंचे तो क्या देखा, कासिम का पामाल लाशा। एक मरतबा आवाज दी, भतीजे माफ कर देना, बेटा पहुंचा तो, लेकिन तुम्हारा जिस्म घोड़ों की टापों से पामाल हो चुका और तुम्हारी रूह कफा से उन शरीर से परवास कर। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयालमुल लदीना ज़लमु अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून बिहक ज़हरा वाबीहा वबआलिहा वबनीहा। बार इलाही इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, तौफीकात में इजाफा फरमा। शब जुमा है, शब मग़फ़िरत, शब रहमत, शब दुआ, शब मुनाजात। महबूद हम सब तेरे गुनहगार और ख़ताकार बंदे हैं। मालिक हमसे जो भी गलतियाँ, गुनाह, ख़ताएँ हुए, उन तमाम गलती, ख़ताओं और गुनाहों से दरगुजर फरमा। मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद है, उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा। उलमा और मराजे की हिफाजत फरमा। इस्लाम दुश्मन ताकतों को जलील, ख्वार और नीस और नाबूद फरमा। जो मोमिनीन मरीज है उनको शिफा अता फरमा। जो दुनिया से रुख्सत हो चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के ग़ुलामों और उनके नासिरों में शुमार फरमा। हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।